हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। सो इससे पहले वाली क्लास में हमने वॉल वॉक्स पढ़ा था, तो वॉल वॉक्स के बारे में कंप्लीट हमने बात कर ली थी। तो वॉल वॉक्स किस फैमिली का मेंबर था? तो वो था क्लोरोफाइसी, जिसमें ग्रीन एल्गीज आते हैं जिनमें क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा होता है। वो वाले एल्गीज किस में रखे जाते हैं? क्लोरोफाइसी के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ज़ैंथोफाइसी के मेंबर के बारे में। सो वाउचीरिया की बात करूँ तो हम क्लास कौन से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? ज़ैंथोफाइसी। तो ज़ैंथोफाइसी हम पढ़ रहे हैं, तो ज़ैंथोफाइसी के अंदर हम जिस मेंबर को पढ़ रहे हैं वो उसे कहते हैं वाउचीरिया। इसे वुचेरिया भी कहते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। तो मैं जैसे कि प्रोनाउंसिएशन वाउचीरिया बोल रही हूँ इसको, तो ये ज़ैंथोफाइसी के अंतर्गत रखा गया है। ज़ैंथोफाइसी के अंदर आने वाले मेंबर्स को या ज़ैंथोफाइसी के मेंबर्स को येलो ग्रीन एल्गी पीत हरे शैवाल भी कहते हैं। सो ये चीज़ ध्यान रखना कि हम क्लोरोफाइसी वाले मेंबर्स को हमने ग्रीन एल्गीज कहा था, तो ज़ैंथोफाइसी के अंदर आने वाले शैवालों को हम येलो ग्रीन एल्गी या पीत हरे शैवाल भी कह सकते हैं। और ये जो ग्रीन येलो एल्गीज हैं, जैसे कि मैं अगर वाउचीरिया की बात कर रही हूँ, तो ज़ैंथोफाइसी के मेंबर्स अलवणीय जल, या मैं यूँ कहूँ कि ये जो वाउचीरिया है वो अलवणीय जल में रहता है। ठीक है, तो अगर मैं अगर पूछूँ कि पीले हरे शैवाल किसे कहते हैं, तो ज़ैंथोफाइसी फैमिली के मेंबर्स को पीले हरे शैवाल कहते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप स्टडी ले रही हूँ वाउचीरिया की। तो ज़ैंथोफाइसी में वाउचीरिया जो इसका मेंबर है, इसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे और बताएंगे कि ज़ैंथोफाइसी में इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है, इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन या प्रजनन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिस्टमेटिक पोजिशन या क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण। तो अगर हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण की बात करते हैं, तो डिवीजन है थैलोफाइटा, सब डिवीजन है उपविभाग एल्गी, देन आता है इसमें क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड देन जीनस। तो इसमें क्लास है ज़ैंथोफाइसी, ऑर्डर है साइफोनेल्स, फैमिली है वाउचीरियासी या वुचेरियासी, जीनस है वाउचीरिया और स्पीसीज है जेमिनेटा।
ज़ैंथोफाइसिन, साइफोनेल्स, वाउचीरियासी, वाउचीरिया, जेमिनेटा। सो हिंदी और इंग्लिश में ये क्लासिफिकेशन है इसका। ये देखो वाउचीरिया सबसे पहले फ्रेश वाटर में, या मैं यूँ कहूँ कि अलवणीय जल में रहता है, ठीक है, अलवणीय जल में या मीठे पानी में यह वाउचीरिया रहता है। अब मैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो इसे डिवीज़न थैलोफाइटा में रखा गया है, सब डिवीज़न शैवाल के अंदर रखा गया है, क्लास ज़ैंथोफाइसी के अंदर रखा गया है, और ऑर्डर साइफोनेल्स के अंदर रखा गया है, फैमिली वाउचीरियासी के अंदर रखा गया है, जीनस वाउचीरिया, और इसकी अगर हम स्पीसीज की बात करें तो ज़ेमिनेटा के अंदर हम इसकी स्पीसीज या इस स्पीसीज की हम कंप्लीट यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो देखो मात्रा की मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, जिसे कहते हैं प्रजनन। तो इसमें होने वाला रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, और वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, वेजिटेटिव, और सेकंड होता है असेक्सुअल, और तीन प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो पहला होता है वेजिटेटिव, दूसरा होता है असेक्सुअल, और तीसरा होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव को कहते हैं कायिक जनन, आलैंगिक जनन, एंड थर्ड वन इज लैंगिक जनन। तो आज की क्लास में हम इसके रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन में हम इसके जनरली वैसे तो तीन प्रकार से होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। सो आज वाली क्लास में हम इसके रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे। तो देखो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जिसे कायिक जनन कहते हैं, वो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, जिसे कहते हैं विखंडन। तो इसमें विखंडन के द्वारा होता है कायिक जनन। और जो अलैंगिक जनन है वो चार तरह से होता है, बाय ज़ूस्पोर्स, जिसने कहते हैं चल बीजाणु, सेकंड वन इज बाय अप्लेनोस्पोर्स, जिन्हें कहते हैं अचल बीजाणु, थर्ड है बाई एकाइनिट, जिसे एकाइनिट कहते हैं, और बाई रेस्टिंग स्पोर्स, जिसे कहते हैं सुषुप्त बीजाणु। तो देखो हम इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि तो मैंने बता दिया इसमें रिप्रोडक्शन तीन प्रकार का होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। सो आज की क्लास में हम कायिक और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जनरली हम जब से एल्गी का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एल्गी ऐसा हो ही रहा है कि जिसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन या विखंडन के द्वारा कायिक जनन होता है, उसमें क्या होता है कि इसमें जो एल्गल फिलामेंट होता है, जिसे हम शैवाल तंतु कह सकते हैं, तो ये एल्गल फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, और जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, फ्रेगमेंटेशन या विखंडन। तो जब एल्गल फिलामेंट या कवक तंतु छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर अलग हो जाता है, और उसका प्रत्येक छोटा छोटा टुकड़ा या छोटा छोटा खंड या छोटा छोटा फ्रेगमेंट
फिर से जर्मिनेट होके कंप्लीट वाउचीरिया की बॉडी का निर्माण करते हैं, तो ऐसा रिप्रोडक्शन होता है विखंडन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो अब मैं बात करूंगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन पे। तो अलैंगिक जनन जूस्पोर्स के द्वारा होता है, एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा होता है, देन वो होता है एकाइनिड के द्वारा और रेस्टिंग स्पोर्स के द्वारा। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं बाई जूस्पोर्स या चल बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन। तो चल बीजाणुओं के द्वारा होने वाला अलैंगिक जनन जलीय प्रजातियों में पाया जाता है, जलीय प्रजातियाँ या जलीय जातियाँ। तो यहाँ पे जलीय जातियाँ कौन सी हो गई, एक्वेटिक स्पीसीज। तो स्पीसीज को मैं पूरा नहीं लिख के एसपी से यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे जू स्पोर्ट्स के द्वारा या वाउचीरिया में चल बीजाणुओं के द्वारा होने वाला रिप्रोडक्शन जलीय जातियों में या एक्वेटिक स्पीसीज में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में सेल का कंप्लीट साइटोप्लाज्म या वाउचीरिया का कोशिका द्रव्य शीर्षस्थ भाग की तरफ आ जाता है और शीर्षस्थ भाग की तरफ आकर एकत्रित या इकट्ठा हो जाता है, और जिससे कि वह एल्गी मुग्धराकार हो जाती है। देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब जूस्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो वाउचीरिया का कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म होता है वो ऊपर की ओर मीन्स शीर्ष भाग की तरफ या टर्मिनल एंड्स की तरफ जाके इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद में वह संरचना मुग्धराकार हो जाती है, और जब ये संरचना मुग्धराकार हो जाती है तब इसके अंदर अनेक केंद्रक या न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसके अलावा कई सारे क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स यहाँ पे वर्णक है, ठीक है, वर्णक पिगमेंट्स। तो कई सारे केंद्रक और कई सारे क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। तो मैं इसको एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझा देती हूँ। तो अब देखो, मैंने कहा कि इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म शीर्ष भाग की तरफ या एपिकल पोर्शन की तरफ मीन्स शीर्ष भाग की तरफ एकत्रित हो जाता है, और एकत्रित हो जाने के बाद में क्या होता है मीन्स इकट्ठा कलेक्ट हो जाता है वहाँ पे, और इकट्ठा होने के बाद में उन ये जो संरचना होती है वो मुग्धराकार हो जाती है। और फिर क्या होता है कि
इस तरह से ये इसमें से जर्मिनेट होकर निकल जाता है। अब मैं इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर में क्या होता है वो देखो, ये जो जूस्पोर होते हैं, इन जूस्पोर्स की जो आकृति होती है वो गोलाकार या अंडाकार होती है। ये साइज़ में बड़े होते हैं, आप देख सकते हो ये गोलाकार या अंडाकार हो सकते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं। और उसके अलावा ये बहुकशाबिकी होते हैं, मीन्स इनके चारों ओर कई सारी फ्लेजिला या कशाबिकाएँ उपस्थित होती है। अब मैं अगर इनकी जर्मिनेशन की बात करूँ कि इनका अंकुरण कैसे होता है, तो इनका अंकुरण बताऊँ कैसे होता है, ये देखो, ये है इसकी जूस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम वह पार्ट जिसके अंदर जूस्पोर्स पाए जाते हैं, तो एक थैलेनुमा संरचना जिसमें जूस्पोर्स पाए जाते हैं, तो वह संरचना हो गई जूस्पोरेंजियम। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे इसमें रिक्तिका का निर्माण हुआ, वैक्यूल का निर्माण हुआ, इसमें पट्ट का निर्माण हो गया जिसे सेप्टम कहते हैं। तो इस पट्ट का निर्माण होने के बाद में देखो, ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये जो बहुकेंद्रकी होता है और इसमें कई सारे क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट और क्रोमेटोफोर युक्त संरचना या बहुकेंद्रकी क्रोमेटोफोर युक्त संरचना ऐसे शीर्ष भाग की तरफ इकट्ठे हो जाती है, और धीरे धीरे जब इसमें जर्मिनेशन होता है तब ये भित्ति थोड़ी पतली हो जाती है और आउट ग्रोथ या 2 से 3 अतिवृद्धियों के रूप में ये बाहर निकल जाती है। तो ये जर्मिनेट होंगे तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो प्लेनोस्पोर ये जो जूस्पोर्स होते हैं, इनके बाहर की कशाबिकाएं नष्ट हो जाती हैं। देखो, जब इनमें जर्मिनेशन का वक्त आता है तब क्या होता है कि ये जूस्पोर्स, इसमें बहुत सारी फ्लेजिला या कशाबिकाएं होते हैं जिनके हेल्प से ये पानी में तैरता हुआ चला जाता है। लेकिन जब इनमें रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये किसी आधार से जाके चिपक जाता है, किसी या तो किसी प्लांट से चिपक जाएगा या किसी पत्थर से चिपक जाएगा या कोई भी आधार उससे जाके चिपक जाएगा। धीरे धीरे इसके बाहर की जो फ्लेजिला होती है जिन्हें मैं कशाबिका कहती हूँ, वो कशाबिकाएँ लुप्त हो जाती हैं, और कशाबिकाएँ लुप्त होने के बाद में 2 से 3 इससे आउटग्रोथ से अतिवृद्धियाँ निकलती है जो वाउचीरिया का निर्माण कर लेती है। और बाद में इस संरचना से मूलाभास निकल जाते हैं जिन्हें राइजोइड्स कहते हैं। ये जो राइजोइड्स होते हैं ये इसे आधार से चिपकने में हेल्प करते हैं, और ये जो संरचना है वो है वाउचीरिया की। तो इस तरह ये वाउचीरिया जर्मिनेट होता है ऐसे, और जर्मिनेट होने के बाद में इस तरह से ये जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होकर ऐसी आउटग्रोथ युक्त या अतिवृद्धियुक्त संरचना बनाता है जो आधार से राइजोइड्स या मूलाभासों के द्वारा चिपका हुआ रहता है। इस तरह से एक परिपक्व वाउचीरिया का निर्माण होता है। और इस तरह ये एक मल्टी न्यूक्लिएट संरचना होती है। अब देखो, मैं बात करती हूँ यहाँ पे प्लेनोस्पोर्स की या अचल बीजाणु। अब देखो, अचल बीजाणु द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो अचल बीजाणु जब जलीय प्रजातियां होती हैं तब उनमें जूस्पोर्स के द्वारा या चल बीजाणुओं के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, और जब स्थलीय जातियां होती है, टेरेस्ट्रियल स्पीसीज, तो उन स्थलीय जातियों में अचल बीजाणुओं के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इसमें भी बनने वाले जो अचल बीजाणु होते हैं जिसे प्लेनोस्पोर्स कहते हैं, तो इसमें बनने वाले अचल बीजाणु कैसे होते हैं वो देखो। इसमें बनने वाले अचल बीजाणु भी गोलाकार या अंडाकार होते हैं, और पक्षमा भी हो सकते हैं या नहीं भी होते हैं। तो गोलाकार या अंडाकार होते हैं, और पतली भित्ति युक्त ये संरचनाएं होती है। इनका निर्माण भी ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से जूस्पोर्स का निर्माण होता है, लेकिन इनमें कशाबिकाएं नहीं पाई जाती जिसके कारण ये गति नहीं दर्शाते और स्पोरेंजियम के अंदर ही जर्मिनेट होते हैं। तो इसके कारण इन्हें अचल बीजाणु कहते हैं। चल जिनमें कशाबिकाएं पाई जाएगी, अचल क्योंकि ये खुद से गति नहीं कर पाएंगे, इसलिए अचल बीजाणु कहते हैं। तो इनका निर्माण भी ठीक उसी प्रकार से होता है। यह है प्लेनोस्पोरेंजियम या अचल बीजाणुक धानी।
इसमें भी साइटोप्लाज्म वैसे ही डिवाइड होता है, वैसे ही शीर्ष भाग की तरफ गति करता है और सेप्टम का निर्माण होता है। लेकिन इसमें कमी किसकी होती है, फ्लेजिला की कमी होती है, और ये भी एक मल्टी न्यूक्लिएट संरचना होती है, मीन्स बहुकेंद्र की अवस्था होती है ये, यहाँ पे सेप्टम या पट्ट कह सकते हैं। फिर इसका वैसे ही जर्मिनेशन होता है इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जूस पोर्स के द्वारा जर्मिनेशन हो के एक संरचना का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार से सेम वैसे ही अप्लेनर स्पोर्स या अचल बीजाणुओं का निर्माण होता है, वह भी टर्मिनल या शीर्षस्थ भाग पर साइटोप्लाज्म के एकत्रित हो जाने से होता है। कई सारे केंद्रक विभाजन होते हैं इसमें, और इस तरह से दो या तीन आउटग्रोथ्स या अतिवृद्धियाँ निकल के एक कंप्लीट प्लांट का निर्माण करती है, क्योंकि इसकी जो बीजाणु होते हैं या ये जो अचल बीजाणु होते हैं इनमें फ्लेजिला का अभाव होता है, इसके कारण इन्हें अचल बीजाणु कहते हैं, और ये स्पोरेंजियम के अंदर ही जर्मिनेट होके फिर अलग होके नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं या नए वाउचीरिया की बॉडी का निर्माण करते हैं। अब देखो इसकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है। अब हम बात करते हैं एकाइनिड की। बाई एकाइनिड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एकाइनिड के द्वारा प्रजनन कैसे होता है वो देखो। यह भी अचल बीजाणुओं के समान ही इसमें स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट होता है। तो देखो अचल बीजाणुओं के समान ही इसमें स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट होता है, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो अचल बीजाणु होते हैं वैसे इसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है, और छोटी छोटी साइटोप्लाज्म की संरचनाएं बन जाती हैं, तो जिन्हें कहेंगे हम एकाइनिड। तो क्या होता है कि एकाइनिड में जो पार्श्व शाखाएं, मीन्स में बात करूं कि जो अचल बीजाणु होते हैं उन अचल बीजाणुओं में या वाउचीरिया में, जो वाउचीरिया का प्लांट होता है उस वाउचीरिया के प्लांट में या वाउचीरिया की बॉडी में से कुछ पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। ये पार्श्व शाखाएं एकाइनिड के द्वारा निकलती हैं, और जब ये पार्श्व शाखाएं निकलती हैं तो पार्श्व शाखाएं निकल के एक नए वाउचीरिया के प्लांट का निर्माण करती हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो लेटरल, जब वाउचीरिया की एज ज़्यादा हो जाती है या उसमें मेच्योरिटी आती है, तब उसका साइटोप्लाज्म छोटी छोटी संरचनाएं बना लेता है जो बाद में वाउचीरिया के अंदर ही जर्मिनेट हो के आउटग्रोथ्स या पार्श्व शाखाओं से निकले हुए होते हैं। तो यह जो संरचना होती है वो एकाइनिड होती है, और इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब देखो लास्ट इसमें टाइप है बाई रेस्टिंग स्पोर्स। रेस्टिंग स्पोर्स को रेस्टिंग स्पोर्स या सुप्त बीजाणु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कई दिनों तक या लंबे समय तक पड़े रहने के बावजूद भी जब तक अनुकूल परिस्थितियां नहीं आती हैं प्रजनन की, तब तक ये अंकुरित नहीं होते हैं। और जब कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि अब वाउचीरिया का प्लांट मरने वाला है, उस कंडीशन में ये जो रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं। तो ये सुप्त बीजाणु इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में जर्मिनेट नहीं होते हैं और उस प्लांट के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। अब देखो ये जो रेस्टिंग स्पोर्स या सुप्त बीजाणु है इस कंडीशन में क्या होता है, पहले ये देखो कि इनकी संरचना कैसे होती है। ये भी गोलाकार होते हैं, लेकिन जैसे कि एकाइनिड और अचल बीजाणुओं के चारों ओर पतली भित्ति होती है, उसी प्रकार से इसमें पतली भित्ति नहीं होती है, ये मोटी भित्ति युक्त संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं ये मोटी भित्ति युक्त संरचनाएं होती है, और जब वाउचीरिया का प्लांट प्रतिकूल परिस्थितियों या एडवर्स कंडीशन में होता है, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है
कि समझ लो ये है वाउचीरिया का प्लांट। नहीं ऐसा तो नहीं होता। ये देखो, समझ लो ये है वाउचीरिया का प्लांट, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इसमें प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है और ये प्लांट जैसे नष्ट होने वाला होता है, तब इसमें क्या होता है कि इसमें उपस्थित जो साइटोप्लाज्म होता है, वो साइटोप्लाज्म कई छोटी छोटी भित्तियों में या कई छोटी छोटी संरचनाओं में रूपांतरित हो जाता है, जो मल्टी लेयर्ड होती है या मल्टी वॉल्ड होती है। मीन्स वो कई सारी भित्तियों से मिलकर बना हुआ स्पोर होता है, जो मोटी भित्ति युक्त संरचना होती है। अब जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है, तब ये जो इसमें उपस्थित साइटोप्लाज्म होता है, छोटी छोटी संरचनाओं में या स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाता है, जिनके चारों ओर मोटी भित्तियाँ बन जाती है, जिन्हें कहते हैं रेस्टिंग स्पोर्स। और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है, तो ये जो इतनी सारी संरचनाएं बनी, तो इस संरचना को कहते हैं ग्रोंगोसिरा अवस्था। इसमें कई सारे स्पोर्ट्स बन गए, तो ये ग्रोंगोसिरा अवस्था बन गई। अब देखो, जब अनुकूल परिस्थितियां आती है, तो अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है कि ये जो रेस्टिंग स्पोर होते हैं, इस रेस्टिंग स्पोर्स के अंदर पतली भित्ति युक्त संरचना होती है या पतली भित्ति युक्त आवरण होता है, जिसे कहते हैं सिस्ट या पुटिका। तो जब इसके चारों ओर मोटी भित्तियाँ होती है, उन मोटी भित्तियों के अंदर जो संरचना कोशिका द्रव्य को घेरे हुए होती है, उसे पुटिका या सिस्ट कहते हैं, जो पतली भित्ति युक्त होती है और किससे आवृत होती है, मोटी भित्तियों से। फिर क्या होता है कि जब अनुकूल परिस्थितियां आती है, तब ये जो सुप्त बीजाणु है, जिसे हम रेस्टिंग स्पोर कहते हैं, ये फट जाता है। फट जाने से इस सिस्ट में उपस्थित साइटोप्लाज्म इस सिस्ट के साथ ही बाहर की ओर निकल जाता है ऐसे, और फिर ये धीरे धीरे यहाँ से जर्मिनेट होगा और वैसे ही कंप्लीट वाउचीरिया के प्लांट का निर्माण करता है। सो आप देख सकते हैं कि रेस्टिंग स्पोर्स के द्वारा इसमें कैसे रिप्रोडक्शन हुआ। तो आप जैसे देख रहे हैं कि जो वाउचीरिया का मुख्य पादप शरीर होता है, मुख्य प्लांट बॉडी होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है और ये मरने वाला होता है, तब ये साइटोप्लाज्म छोटी छोटी संरचनाएँ बना लेता है। इन छोटी छोटी संरचनाओं के चारों ओर कई सारी भित्तियों का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण इसकी भित्ति कैसी हो जाती है, मोटी। और इन भित्तियों के अंदर सिस्ट नामक संरचना के अंदर साइटोप्लाज्म सुरक्षित रहता है, जो इन्हें सूखने से बचाता है, और वो प्रतिरोधी संरचना होती है, जो किसी भी प्रभाव से या बाह्य कारकों से इसकी सुरक्षा करते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आती है, तब यहां से ये इसकी मोटी भित्ति फट जाती है और सिस्ट के साथ ही साइटोप्लाज्म बाहर आ जाता है, और उससे विभाजनों के फल स्वरूप कई सारी ब्रांचेस निकल जाती है, और इस तरह से एक कंप्लीट वाउचीरिया के प्लांट बॉडी का निर्माण हो जाता है। और ये जो वाउचीरिया होते हैं, इनका जो शरीर होता है, वो नलिकाकार होता है और राइजोम युक्त होता है। तो ये राइजोइड्स युक्त होता है। राइजोइड्स को कहते हैं मूलाभास। तो ये जो संरचना होती है, वो कैसी होती है, नलिकाकार होती है, एक पाइप जैसी संरचना। इनकी जो कोशिका देख रहे हो आप, ये इसका शरीर देख रहे हो, ये थोड़ा पाइप नुमा होता है, तो इसलिए इसे साइफोनेल्स के अंदर रखा गया है, नाल के जैसा होता है, इसलिए इसे साइफोनेल्स के अंदर रखा गया है। इसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इसलिए इसे थैलोफाइटा के अंदर रखा गया है। और देखो, जेंटोफाइसिक मीन्स जेंटोफिल जो वर्णक होते हैं, वो पीले हरे रंग के होते हैं या पीले हरे रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए इन्हें जेंटोफाइसिक के अंदर रखा गया है, क्योंकि इनमें जेंटोफिल्स और कैरोटीन्स पाए जाते हैं। अब देखो, इस तरह से जू स्पोर्स, एप्लेनोस्पोर, एकाइनिड और रेस्टिंग बर्ड्स के थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन होता है। सो अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और इस तरह से आपके कंप्लीट रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।